गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मॉन ब्रेसियर की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज स्टैंडर्ड 6 में मैं आप लोगों को चैप्टर 4 की कविता, जिसे मैंने कल भी पढ़ाया था आप लोगों को, उसको शब्दार्थ के माध्यम से एक बार फिर से बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने चैप्टर 4 का शब्दार्थ लिखा है। शब्दार्थ मैंने वहीं तक लिखा है जहाँ तक की पंक्तियाँ मैंने आप लोगों को पढ़ाई है। अब हम लोग एक एक करके शब्दार्थ को देखेंगे और उसके अर्थ को देखेंगे, और उसके बाद मैंने जो कविता पढ़ाई है उससे इन शब्दार्थ का किस तरह से अर्थ जुड़ता है उसे बताऊंगी। तो पहला शब्दार्थ क्या है हमारा? हठी। हठी का अर्थ क्या होता है? जिद्दी। तो ये हठी शब्द जो है वो इस कविता में किस तरह से आता है कि वो बच्चा जो है जब कहानी सुनने की जिद अपनी माँ से करता है। उसके बाद है सेकेंड नंबर भ्रमण। भ्रमण का अर्थ क्या होता है? घूमना। तो कहानी की शुरुआत जब उसकी माँ करती है तो वो क्या कहती है अपने बच्चे से कि एक दिन सुबह जो है उसके पिता बगीचे में घूम रहे थे। नंबर 3 है वर्ण। वर्ण का अर्थ होता है रंग। तो वहां पर कविता में लाइन था वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, यानी अलग अलग रंगों के बगीचे में फूल खिले थे। कहां पर? बगीचे में। और उस बगीचे में कौन भ्रमण कर रहा था? उसके पिता। चौथा नंबर है हिम बिंदु, यानी ओस के कण। तो सुबह का समय था, उसके पिता जो है राहुल के पिता बगीचे में घूम रहे थे, तो जितने भी वहाँ पर पेड़ पौधे थे सब में ओस के कण मौजूद थे। उसके बाद है नंबर 5 सुमधुर स्वर, जिसका अर्थ क्या है? मीठे स्वर। तो बगीचे में मीठे स्वर में कौन गा रहे थे? पक्षी। और नंबर 6 है बिंद, यानी बिंद कर। तभी वहाँ अचानक क्या होता है, एक पक्षी को निशाना लगाकर किसी ने घायल कर दिया था। तो आप लोगों को समझ में आ रही है जो मैं आप लोगों को बातें बता रही हूँ? सभी बातें जो है कविता से जुड़ी हुई है। नंबर 7 क्या है? खर, तेज धार वाला। तो तेज धार वाला का अर्थ यहाँ पर किससे हम जोड़ेंगे? जिससे निशाना उस पक्षी पर लगाया गया था, यानी वान से, तीर से। ठीक है, शर यानी देखिए अर्थ उसका है वान। नंबर 9 में है आखेटक। तो आखेटक यानी जिसने उस पक्षी पर निशाना लगाया था। तो आखेटक का अर्थ क्या है? शिकारी। और शिकारी कौन था? इसका नाम भी आप लोगों को मैंने कल बताया था, देवदत्त। सिद्धि का अर्थ होता है सफलता। तो किसको सफलता मिली? इस आखेटक को, जिसने उस पक्षी को निशाना लगाकर घायल कर दिया था, यानी वो निशाना उसका पक्का लगा और वो पक्षी नीचे गिर गया, तो उसमें उसको सफलता मिली। उसके बाद क्या है नंबर 11? आहत। आहत का अर्थ घायल। तो कौन घायल हो गया? वो पक्षी जिस पर निशाना लगाया गया। नंबर 12 में क्या है? रच्छी यानी रक्षक। दूसरे अर्थ में कहेंगे रक्षा करने वाला। तो रक्षा उस पक्षी की किसने की? राहुल के पिता ने। नंबर 13 क्या है? भक्षी। भक्षी का अर्थ है भक्षक, यानी जिसने उस पर वार किया था। ठीक है, यानी जिसने हंस को घायल किया था। पक्षी कौन सा था? हंस। और लास्ट है तात। तो इसका अर्थ तो मैंने आप लोगों को पहली पंक्ति जब पढ़ा रही थी उसी में बताया था, तात का अर्थ होता है पिता। तो रक्षा किसने किया था? राहुल के पिता ने। और उसे घायल किसने किया था? देवदत्त ने। तो उसके बाद की जो पंक्तियां हैं वो मैं आप लोगों को जब नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगी उसके बाद आप लोगों को फिर इसी तरह से शब्दार्थ के माध्यम से कविता को समझा दूंगी। तो आज आप लोगों का होमवर्क है रिवाइज शब्दार्थ ऑफ चैप्टर 4।
और आप लोग शब्दार्थ बुक से लर्न करेंगे। थैंक यू।